हम सभी के लिए समय बहुत कीमती है। स्टूडेंट्स लाइफ में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो समय के महत्व को नहीं समझता है वो सबसे पीछे रह जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसका यूज करना है, तो आप ये तो समझ जाओगे कि टाइम को यूज करना है, लेकिन आप इस बात पर कंफ्यूज भी रहोगे कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करोगे। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से समय का उपयोग करोगे जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि इन्वेस्ट होगा। अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती है, ये मिलती है मेहनत, लगन, विश्वास और समय का सही उपयोग करने से। नंबर वन, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाएं। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी डेली की आदत है कि आप रोज 6 बजे उठते हो, 9 बजे खाना खाते हो, दोपहर 2 बजे में खाना खाते हो और रात में 10 बजे सो जाते हो, तो इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। हम रोज जैसी आदतों को अपनाते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर आपको ना चाहते हुए भी उसी टाइम पर नींद आएगी, उसी टाइम पर भूख लगेगी। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही नहीं है तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि बदलाव में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन एक बार ये क्लॉक आपने सेट कर लिया तो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। नंबर टू, प्राइम टाइम में काम करें। हर किसी का 24 घंटे में अपना एक टाइम होता है जिसमें वो खुद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील करता है, मतलब उसका दिमाग तेज काम करता है और काम में या पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। सभी का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, जैसे किसी को रात में पढ़ना या काम करना पसंद होता है लेकिन दिन में पढ़ाई या काम सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सुबह बहुत अच्छे से काम करते हैं और रात में या दोपहर में उन्हें काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता है या पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं होता है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है ये आप बेहतर जानते होंगे। अपने प्राइम टाइम में आप जी तोड़ मेहनत कीजिए ताकि बाकी के टाइम में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे और उसी कॉन्फिडेंस में आप बाकी के समय में भी मेहनत कर सकते हैं। नंबर थ्री, मार्क्स लाने का लक्ष्य बनाएं या पैसा कमाने का लक्ष्य बनाएं। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो टॉप करे, अच्छे मार्क्स लाए। जॉब पर्सन या बिजनेसमैन का लक्ष्य होता है पैसा कमाना। आप जिस भी फील्ड में हैं उसी फील्ड का बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएं, कम से कम अपने कैपेसिटी से बड़ा लक्ष्य बनाएं। जितना बड़ा लक्ष्य बनाओगे उतना ही ज्यादा व्यस्त रहोगे और अपने टाइम का सही उपयोग कर पाओगे। छोटा लक्ष्य बनाने से आप उसे हासिल करने के बाद फिर से टाइम वेस्ट करने वाले काम में लग जाओगे जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाओगे। नंबर फोर, सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहले करें। कई सारे लोग गैर जरूरी काम पहले करते हैं और उसी में अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद नींद, आलस्य, थकावट की वजह से इम्पोर्टेंट काम को नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स का पहला काम पढ़ाई करना होता है। जॉब करने वालों के लिए उनकी ड्यूटी, टीचर का पहला काम ज्ञान बांटना होता है। इसी तरह आप कौन है इसे जानने के बाद अपना पहला इम्पोर्टेंट काम खत्म करें, फिर दूसरे काम को करें। नंबर फाइव, स्टेबल योरसेल्फ। 90% लोगों की जिंदगी तो अस्त व्यस्त है जिसकी वजह से वे चाहे भी तो टाइम का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप स्टूडेंट हैं और आप कभी कभी अपने पेन, पेंसिल या बुक को कहीं रख कर भूल जाते हो, फिर उसे ढूंढने में आपका 10-15 मिनट यूं ही निकल जाता है। इसके अलावा कई चीजें हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है कि हम अव्यवस्थित हैं। हमें हर एक चीज को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए जिससे हमें उसको बार बार ढूंढना ना पड़े। सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि कभी कभी ज्यादा खाना खा लेना, कभी कभी कम या ज्यादा सोना भी अस्त व्यस्त जिंदगी का उदाहरण है। अगर आप हर चीज को उसकी सही जगह पर रखें और हर काम का समय डिसाइड करके उसे सही समय पर करें तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बचेगा और हर काम सही समय पर होगा। नंबर सिक्स, मेक अ बेस्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट और दूसरा कंप्लीट। शॉर्ट टाइम टेबल में एक समय के लिए एक काम का टाइम टेबल निश्चित करके उसे किया जाता है। कंप्लीट टाइम टेबल में पूरे 24 घंटे में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का टाइम टेबल बनाया जाता है। टाइम टेबल सिर्फ बनाना ही है, आपको उसे फॉलो भी करना है। नंबर 7, वर्क स्पीड बढ़ाए। जिस तरह टाइपिंग सीखने जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। जिम में धीरे धीरे कम वजन से फिर धीरे धीरे ज्यादा वजन उठाया जाता है, उसी तरह काम या पढ़ाई में अपनी कैपेसिटी या अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ेगी आप उतने ही कम समय में कोई भी काम को कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई जॉब हो। सारा खेल स्पीड का है। सबके पास 24 घंटे हैं। कुछ लोग उसी 24 घंटे में मात्र 5 काम करते हैं लेकिन जिनकी स्पीड ज्यादा होती है वो 24 घंटे में 10 काम भी कर लेते हैं।
जिसकी लिखने की स्पीड ज्यादा होती है उनका एग्जाम 3 घंटे से पहले ही खत्म हो जाता है। जिनकी स्पीड कम होती है उसके लिए 3 घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है। नंबर 8, डेडलाइन बनाएं। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसी तरह अपने काम या पढ़ाई के लिए एक डेडलाइन मतलब समय सीमा जरूर बनाएं। कौन से काम को कितने समय तक करना है इसकी पूरी लिस्ट बनाएं। नंबर 9, यूज मोबाइल फॉर लिमिटेड टाइम। इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि मोबाइल में ही लोग अपना सारा टाइम निकाल देते हैं। भलाई इसी में है कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए किया जाए। नंबर 10, डोंट बी लेजीनेस। काम का आलस और पैसे का लालच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता। कोई भी काम या पढ़ाई जो 1 घंटे में हो सकती है वो आलस्य की वजह से 4 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए आलसी मत बनो। जो काम 1 घंटा में हो सकता है उसे 1 घंटे में ही कंप्लीट कर दो। फुर्ती और फोकस के साथ स्टडी करो। कोई भी काम पूरे जोश के साथ करो, जल्दी कोर्स हो जाएगा। समय से पहले आप रिविजन कर लोगे। दोस्तों, इन 10 टिप्स को अपनाएं और अपने टाइम का सही से यूज करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।